नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाई इज द एक्यूट एंगल सच दैट टेन ऑफ फाई इज इक्वल टू 2/3, देन इवेल्युएट 1 + tan(5) अपॉन साइन ऑफ 5 + cos(5) एंड 1 - cot(5) अपॉन sec ऑफ 5 + cosec(5). ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको सबसे पहले दिया हुआ है कि जो tan ऑफ फाई है वो 2/3 के इक्वल है, समझ में आ रहा है। तो 1 + tan(5) अपॉन साइन ऑफ 5 + cos(5), कोई दिक्कत। नेक्स्ट मेरे पास है 1 - cot(5) अपॉन sec(5 + cosec(5). ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, समझ में आ रहा। ये जो मेरा एंगल है फाई है, और टेन में क्या होता है, ये वाई बाय एक्स होता है, तो 2/3 हो जाएगा। टेन ऑफ फाई इज इक्वल टू 2/3, ये हमारा 90 डिग्री है, समझ में आ रहा। ये मेरे पास कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, देन हमारे पास हो गया 9 + 4 हो गया अंडर रूट ऑफ 13, समझ में आ रहा। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, समझ में आ रहा। देन आपके पास यहाँ से सबसे पहले है टेन ऑफ फाई, टेन ऑफ फाई कितना आ जाएगा, P/B, परपेंडिकुलर कितना है 2 है और बेस कितना है 3 है, समझ में आ रहा। नेक्स्ट मेरे पास क्या बचा, साइन ऑफ फाई, साइन ऑफ फाई कितना आ रहा है, P/H, परपेंडिकुलर है 2, H है 13, रूट ऑफ 13। नेक्स्ट मेरे पास कोस ऑफ फाई, कॉस ऑफ फाई कितना आ रहा है आपके पास, B/H, B क्या है 3 है और H कितना है अंडर रूट ऑफ 13 है। नेक्स्ट आपके पास कितना आ रहा है, कॉट ऑफ फाई, कॉट ऑफ फाई कितना 10 का B/P है, बेस कितना है 3 है और परपेंडिकुलर है 2। नेक्स्ट है मेरे पास कोसेक ऑफ फाई, कोसेक ऑफ फाई कितना है, साइन का अपोजिट है H/P, H कितना, रूट ऑफ 13 और परपेंडिकुलर कितना, ये हो गया मेरे पास 2, कोई दिक्कत। और नेक्स्ट मेरे पास है sec ऑफ फाई की वैल्यू कितनी, कोस का उल्टा H/B, H कितना है, रूट ऑफ 13 है और B कितना है, बेस 3 है, कोई दिक्कत। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर उठाई और यहाँ पर पुट कर दी, देन आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए 1 + tan(5), टेन ऑफ फाई कितना है 2/3 है, 2/3 अपॉन साइन ऑफ फाई कितना है 2/√13 है, प्लस कॉस ऑफ फाई कितना है मेरे पास 3/√13, देन 3/√13, कोई दिक्कत। ये मेरा पहला ब्रैकेट खत्म। दूसरा जो ब्रैकेट है वहाँ पर कितना है, 1 - cot(5), 3/2, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास हो गया sec(5), √13/3 एंड प्लस कॉसेक कितना गया, √13/2। इसको मुझे सॉल्व करना है, समझ में आ रहा। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, देन आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 LCM आएगा, ठीक है, और 3/2 5/3 हो जाएगा, समझ में आ रहा। यहाँ से मेरे पास अंडर रूट ऑफ 13 LCM आएगा और ये 3/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 5 से 5 गया, देन मेरे पास √13/3 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास कितना हुआ, यहाँ से 2 LCM आया, 2 - 3 - 3 मतलब -1 इंटू यहाँ से जो एल्शियम आया मेरे पास 6 आया, कितना आया, 6 LCM आएगा। देन हमारे पास जो 6 LCM ये आ गया, समझ में आ रहा है। देन आपके पास 6 LCM आया तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 × 2√13 और ये 3 × तो 5√13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5√13 हो जाएगा, कोई दिक्कत। आ रहा समझ में, जब हमने इसको सोल्व किया देन आपके पास कितना आ रहा है, √13/3 और ये आएगा मेरे पास 3 कैंसिल होगा, देन इंटू माइनस का 3/5√13, ये मेरा कैंसिल हो गया, ये मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, -1/5 बचा, कितना बचा, ये हो गया -1/5 आ गया, समझ में आ रहा। अब -1/5 जो है मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है, ठीक है, देन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर।